नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्मार्ट हिस्ट्री पर आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आज मैंने ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन किया है जो कि आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नेशनल इंडियन मूवमेंट 1857 से लेकर 1947 के बीच के हैं ये सारे क्वेश्चन। और इन क्वेश्चनों का मैं एक खास बात यह कि पीएससी के, खासकर पीएससी के एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है। पीएससी, एसएससी एंड यूपीएससी और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनके आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन इज वेज द हेडक्वार्टर ऑफ आर्य समाज। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना स्टार्टिंग में जो की थी वो तुम्हारा मुंबई में की थी, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि इसका हेडक्वार्टर लाहौर शिफ्ट कर दिया गया। तो अब इसमें क्वेश्चन है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आर्य समाज, ये लाहौर है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप चेक भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। चलिए दोस्तों हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट इन इंडिया, जैसा कि आप सभी जानते हैं इंग्लिश एजुकेशन किसने स्टार्ट की थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो एजुकेशन स्टार्ट की थी वो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया था, वो 1835 में आया था। तो इंग्लिश एजुकेशन 1835, जैसा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को आप जानते हैं कि भारत का समाज सुधारक गवर्नर बोला जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ये बहुत ज्यादा इन्होंने इंडिया में बहुत ज्यादा कुरीतियां थी हमारी, तुम्हारी सती प्रथा हो गई और तुम्हारे विधवा पुनर्वास, इस तरह की इन्होंने इनका इनको खत्म किया। और साथ ही इंडियन नेताओं ने इनका काफी साथ दिया इसमें। और अब हम चलिए, हमारा ये उद्देश्य पूरा हो गया, हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। जी स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था। अभी हम एक क्वेश्चन पीछे भी करके आए कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, तो इनका जो बचपन का नाम था वो था मूल शंकर। और जैसा कि आप जानते नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का नाम था। तो हमारे क्वेश्चन का ये आंसर फर्स्ट होगा इसमें से, मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम था मूल शंकर। चलिए अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये चौथा कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश वाज रिटन बाई, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी। ये तो मैंने आई थिंक मोस्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा होगा, चाहे आप एसएससी का एग्जाम ले लो, पीएससी का एग्जाम, ये सत्यार्थ प्रकाश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। तो मैं आज आपको बताना चाहूंगा, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी। सत्यार्थ प्रकाश जो कि उन्होंने वेदों पर और वेदों की सच्चाई, ये सब वेदों की तो और लोटो, इस टाइप का इन्होंने इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो ये इसका आंसर होगा थर्ड, दयानंद सरस्वती। दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु फर्स्ट डिमांड ऑफ स्वराज, स्वराज की सबसे पहले किसने मांग की थी। तो हम जैसा कि जानते बाल गंगाधर तिलक ने भी स्वराज की मांग की थी, बाल गंगाधर तिलक ने भी स्वराज की मांग की थी, स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू ने भी की थी, लेकिन सबसे पहले जो मांग की थी वो दादाभाई नौरोजी ने की थी, वो भी 1906 मुंबई सेशन में। 1906 मुंबई अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसमें दादाभाई नौरोजी ने कहा था कि स्वराज, हमें स्वराज चाहिए, हम खुद अपना वो करेंगे। तो इसके वो अध्यक्ष थे 1906 सेशन के। चलिए हम अगले क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, तो हम आपको बताना चाहेंगे। इसमें से तुम्हारा जो आंसर होगा वो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे। इसमें से पहला क्वेश्चन मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, बाल गंगाधर तिलक इनको अंग्रेजों ने कहा था कि भारतीय अशांति का जनक है, इनको बाल गंगाधर तिलक को कहा था। मां गोविंद रानाडे बहुत बड़े समाज सुधारक थे, इन्होंने बहुत सारी कुरीतियों को दूर किया है। तो चलिए हम सातवां क्वेश्चन, इसका जो आंसर होगा वो होगा गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए हम सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू इलेक्ट इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रथम इलेक्टेड होने वाला भारतीय कौन था। भाई ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा मैंने पेपर्स में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा है कि क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर होगा वो था दादाभाई नौरोजी फर्स्ट इंडियन था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुआ था। डब्ल्यू सी मुखर्जी के बारे में आप जानते हैं, भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। रास बिहारी बोस हो गए, मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री। तो साथ ही साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वो
कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। सबसे युवा अध्यक्ष में भी मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम आता है। तो चलिए दोस्तों हम आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़े। दोस्तों तो आठवां क्वेश्चन ये है कि हु कॉल्ड राष्ट्रपिता तो महात्मा गांधी, मतलब फादर ऑफ नेशन, इट मीन तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो जैसा कि आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू ने नहीं कहा, शेख मुजीबुर रहमान इन्होंने भी नहीं कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। तो इसका जो सुभाष चंद्र बोस, इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता कहा था, महात्मा गांधी जी को। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप जानते हैं, इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ये नेहरू रिपोर्ट इन्होंने पेश की थी 1928 में। चलिए आगे 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 ये क्वेश्चन भी है आगे। नेहरू रिपोर्ट वाज रिप्रेजेंटेड इन द ईयर ऑफ, नेहरू रिपोर्ट किस ईयर में पेश की गई थी? तो इसका ईयर अभी मैंने बताया था, इसका आंसर होगा थर्ड, 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी जी, 1928। तो अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन कि नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई थी। बहुत ज्यादा ये भी बहुत ज्यादा कंपटीशन में आता हुआ है, और ये मेनली क्वेश्चन ही मान लो इस तरीके के। एक तो सत्यत प्रकाश हो गया था सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन होगा आई थिंक, और ये नौवां क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। ये हो गया हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा कंपटीटिव एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। Who was the first president of Muslim League? जी मौलाना अबुल कलाम आजाद जी नहीं, ये भी नहीं थे आगा खान। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये बहुत ही यंग, मैंने अभी अभी आपको बताया था, बहुत ही ज्यादा यंग थे जब ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। तो उनका नाम सबसे यंग लीडर्स में आता है कांग्रेस के लीडर्स में जी, सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान। तुम्हारा मोहम्मद इकबाल, इनको बुलाने पर ये दूसरे सेकंड राउंड टेबल में गए थे। चलो मैं अपने मेन क्वेश्चन पर फोकस करता हूँ, ये थे आगा खान। आगा खान जो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग जी, आगा खान। दो लोगों ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, कलीमुल्ला एंड आगा खान। आगा खान फर्स्ट प्रेसिडेंट उसके बने थे जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग वाज सेटअप बाई, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग वाज सेट जी। तो इसका आंसर है भाई जयप्रकाश नारायण, इन्होंने नहीं की थी, अरुण आसिफ अली इन्होंने भी नहीं की थी, एसएम जोशी भी नहीं की थी जी। इसका आंसर होगा रास बिहारी बोस, जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की को सेटअप किया था। तो इसका ये भी मोस्टली कुछ ज्यादा, ये भी ठीक आप कह सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बहुत ज्यादा पीएससी मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे यूपी हो, एमपी हो, राजस्थान का हो, इन तीनों में मैंने ये क्वेश्चन देखा हुआ है, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग सेटअप भाई। तो मैं आपको बस इसका आंसर होगा रास बिहारी बोस, चौथा आंसर होगा इसका रास बिहारी बोस जी। अगले क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन है बाद में, हु वॉज द फॉलोइंग उर्दू पोएट इन्वाइटेड टू द सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इसमें एक मोहम्मद इकबाल जी हैं जिनको सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल में बुलाया गया था। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इनको सेकंड राउंड टेबल में जी, इनको थर्ड राउंड टेबल में भी इनको इनवाइट किया गया था। तो इसका आंसर होगा मोहम्मद इकबाल जिन्हें की सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था जी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ये भी कहीं देखा है जी। थर्टीन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट मूवमेंट लॉन्च अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडिया वॉच, ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ फर्स्ट मूवमेंट कौन सा था जो लॉन्च किया गया था जी। 13 क्वेश्चन था, तो इसमें खिलाफत मूवमेंट हो गया, स्वदेशी मूवमेंट हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो, नॉन कॉर्पोरेशन हो गया। तो आपको पता है नॉन कॉर्पोरेशन 1920-21-22 तक चला था, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन ये जो है कि खिलाफत आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था नील को लेकर। तो ये स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ था जब बंग भंग लॉर्ड कर्जन ने किया था, बंगाल का विभाजन कर दिया था। तो तुम्हारे बीजी तिलक, ये भी बीजी तिलक हो गए, तुम्हारे दादा भाई नौरोजी, ये मतलब काफी नेता थे उसमें, कांग्रेस के नेताओं थे जिन्होंने एक्सेप्ट किया, जिन्होंने कहा कि अब अगर बंगाल का विभाजन होता है तो हम उसमें, जबकि बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था, उन्होंने जो उसकी वजह बताई थी कि इतने बड़े क्षेत्र को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उसकी ओरिजिनल वजह कुछ और थी कि हिंदू और मुस्लिम को मार दिया जाए। हालांकि पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र ज्यादा था, पश्चिम बंगाल में हिंदू बाहुल्य क्षेत्र ज्यादा था। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के दिमाग में ये चल रहा था कि अगर बंगाल का विभाजन कर दिया जाए तो जो
आंदोलन चल रहा है, जो स्वतंत्रता का लेकर जो आंदोलन चल रहे थे तो स्वराज को लेकर, तो उसमें कहीं ना कहीं नरमी आएगी, लोग डिवाइड हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं नरमी आएगी और हम कहीं ना कहीं फिर से वही फूट डालो और राज करो वाली नीति को अपना सकेंगे। हालांकि उस टाइम लोगों ने कहा कि अंग्रेजों का इन नेताओं का कहना था, अंग्रेजों का जीडीपी है जितना भी, वो हमारे इंडिया से ही जाता है, इनका जीडीपी डाउन कर दो, इनकी चीजों को वो खरीदना बंद कर दो, बहिष्कार कर दो, हम अपना वो करेंगे तो स्वदेशी अपनाएंगे, मतलब जो कुछ करेंगे सब कुछ स्वदेशी होगा। तो सबसे पहले 1906 में यह आंदोलन हुआ था, सबसे पहले इसमें जो है कि इसमें स्वदेशी मूवमेंट सबसे पहले हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट जी, इसका आंसर होगा सेकंड, स्वदेशी मूवमेंट जी। 14वां क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इंडिया वॉज फाउंडेड बाई, तो फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज फाउंडेड बाई, जो फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी थी वो इंडिया में किसके द्वारा स्थापित की गई। तो इसमें आपने ये वाला नाम नहीं सुना होगा, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कभी कभार यूपीएससी में भी आ चुका है, यूपीपीएससी में भी आ चुका है क्वेश्चन। इसका आंसर जो होगा वो धोंदो केशवे कारवे, धोंदो केशवे कारवे, इन्होंने जो है कि इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, इन्होंने इंडिया में फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी जी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, खासकर एसएससी वालों के लिए और पीएससी वालों के लिए भी। दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की कैपिटल दिल्ली कब बनी, दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जॉर्ज पंचम को इनविटेशन आया था, तो बंगाल का इसी जॉर्ज पंचम आए थे, तो इसी टाइम पे बंग भंग रद्द किया गया था, बंग भंग मतलब बंगाल के विभाजन, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था तो वो रद्द किया गया था। तो जॉर्ज पंचम को दिल्ली दरबार में आए थे, दिल्ली दरबार लगा था जॉर्ज पंचम के लिए, तभी से कलकत्ता से दिल्ली इनकी राजधानी स्थापित कर दी गई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1911 में स्थापित की गई थी, लेकिन कार्यभार जो शुरू हुआ था 1912 में, 1912 में मतलब कार्यभार संभाला था दिल्ली राजधानी ने। तो इसका जो आंसर है बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि थर्ड आंसर 1911। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, दोस्तों 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं हम। विद द रेफरेंस ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लेडी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन इंडियन लेडी थी जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के रेफरेंस में। तो सेकेंड राउंड टेबल में जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, सरोजिनी नायडू थी जिन्होंने तीनों राउंड टेबल में भाग लिया था। सॉरी मुझे ये कंफर्म नहीं है, लेकिन प्रेजेंट में शायद तीनों में इन्होंने भाग लिया था। तो सरोजिनी नायडू एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे और तुम्हारा सरोजिनी नायडू थे, इन्होंने सारे राउंड टेबल में भाग लिया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर, सरोजिनी नायडू जी। सुचेता कपलानी जैसा कि जानते हैं ये पहली मुख्यमंत्री थी किसी राज्य की, और आई थिंक यूपी की थी पहली महिला मुख्यमंत्री। तो आगे बढ़ते, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी हु लेटर टर्न इनटू ए योगी एंड फिलोसफर जी। हम आपको 17वां क्वेश्चन जी है, हु विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी हु टर्न इनटू ए योगी एंड फिलोसफर जी। तो इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं, लाल लाजपत राय बिल्कुल नहीं थे आपके, बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल नहीं थे, अगर कारा बिल्कुल नहीं थे, इसमें थे अरुंधति जो जो घोष थे ये एक योगी और फिलोसफर दोनों थे जी। तो 17वें का आंसर हो जाएगा चौथा, अरुंधति घोष। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जी, ये क्वेश्चन था, महात्मा वाज एडेड बिफोर गांधी नेम ड्यूरिंग, मतलब गांधी जी के नाम के आगे महात्मा कब लगा था। तो जैसा कि इसका आंसर पता ही होगा, चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार में, जिन्होंने एक महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, इसमें इनके नाम के आगे महात्मा ऐड हो गया था, तो लोगों ने इनको महात्मा कहना शुरू कर दिया था। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी, ये क्वेश्चन है, नेम ऑफ द फेमस पर्सन ऑफ इंडिया हु रिटर्न द नाइटहुड कॉन्फ्रेंस ऑन हिम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज ए टोकन ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एट्रोसिटीज इन अमृतसर इन 1919 जी दोस्तों। तो इसमें जैसा ही जानते हैं नायडू टू के बाद, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, नायडू टू उपाधि थी रविन्द्रनाथ टैगोर को उपाधि दी गई थी, तो ऑब्वियस की बात है कि वापस भी वही करेंगे, सर सैयद अहमद खां भी नहीं कर सकते, आज तो मुखर्जी भी नहीं करते, तो सी सीधा डायरेक्ट आंसर पहुंचते रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने कि नायडू की उपाधि वापस कर दी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन है हमारा जी, आगे ये
दोस्तों तो हो गया एम सी शीतलवाड़, बी एन राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और ये थे बाज डिस्टिंग्विश मेंबर ऑफ द, मतलब एम सी शीतलवाड़, बी एन राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये किसके मेंबर थे? तो जैसा कि जानते सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के मेंबर थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के मेंबर। जी 21 क्वेश्चन है, एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट वॉज पास ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ, तो ये एक्ट किसके वाइसरॉयल्टी में पास किया गया था? एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, तो जिस ये एक्ट लॉर्ड कर्जन के टाइम पे पास किया गया था, तो आपका ये आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, कर्जन 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 जी फर्स्ट, ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के टाइम पे जी दोस्तों। तो ये कर्जन टाइम पास किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ये भी काफी जगह देखा हुआ है, आया हुआ है ये, और मैंने जैसा कि बताया मैंने वही क्वेश्चन किए, अगर आपने इसमें से जितने मैंने क्वेश्चन कराया अगर इतने भी कर लिए, तो कोई भी एग्जाम देने जाओगे आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, ये मेरा दावा है जी दोस्तों। जी दोस्तों अगले क्वेश्चन है तुम्हारा, द हरप्रा कांग्रेस 1938 रिमेंस ए माइलस्टोन इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल बिकॉज, तो हरप्रा कांग्रेस 1938 में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से माइलस्टोन मतलब क्यों दूर रही थी, क्या कारण था जो कि हरप्रा कांग्रेस 1938 में जो सेशन हुआ था वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से माइलस्टोन हुआ, मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडिया ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 बाय द कांग्रेस इट डिक्लेयर्स वॉज ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। जी चौथा, इट अपॉइंट्स जवाहरलाल नेहरू एज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जी दोस्तों तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका जो आंसर होगा वो हरप्रा कांग्रेस 1938 में जो हुआ था वो था बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ आइडिया ऑफ प्लानिंग कमीशन, मतलब प्लानिंग कमीशन का आइडिया इंट्रोडक्शन हुआ था, तो इसलिए जो हरप्रा कांग्रेस थी इसने इसको एक्सेप्टेंस मीन माइलस्टोन रिमेंस रखा था, इसको दूर रखा था प्लानिंग कमीशन के आइडिया को। तो जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, द बर्थ एंड डेथ ईयर ऑफ बी आर अम्बेडकर आर। जी दोस्तों तो ये है द बर्थ एंड डेथ ईयर ऑफ डॉक्टर बी अम्बेडकर, बहुत ज्यादा मैंने ये तो एसएससी में तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, या बर्थ पूछ लेगा या डेथ ईयर पूछ लेगा, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा 1891 1956, डॉक्टर जो बी आर अम्बेडकर का जन्म हुआ था वो 1891 हुआ था और उनका जो डेथ ईयर है वो 1956 डेथ ईयर है, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1952 फर्स्ट चुनाव हार गए थे जी दोस्तों। हाँ ये कानून मंत्री तो पहला चुनाव ही हार गए थे, ये कभी सांसद नहीं हो पाए थे दोस्तों, तो उनका जो इसके बाद इन्होंने राजनीति संन्यास ले लिया था, तो दोस्तों इनका जो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1891 1956। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग, जी था ये क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पायनियर खिलाफत आंदोलन, 24वां क्वेश्चन है जी, हु अमंग द फॉलोइंग पायनियर खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा पायनियर किया गया था, तो ये जैसा कि जानते हैं एम ए जिन्ना तो नहीं थे, सर सैयद अहमद खान, महात्मा गांधी, में खिलाफत आंदोलन जो पायोनियर करने का जो सबसे बड़ा था वो तो अली ब्रदर्स का, अली ब्रदर्स दो लोग थे ये, इन्होंने खिलाफत मूवमेंट किया था टर्की में तुम्हारे लोकतंत्र के पीछे खलीफा का पद समाप्त करना, इस तरीके कुछ वो था जी। तो इसका जो आंसर होगा वो फोर्थ होगा, अली ब्रदर्स जी। अब अगले क्वेश्चन तक बढ़ते, ये भी मेरे 24 क्वेश्चन जो कि मैंने बताया बहुत, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी थोड़ा गौर कीजिए जी। 25वां क्वेश्चन है, हु वाज कॉल्ड बाय ब्रिटिश रूलर्स एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, मतलब भारत की अशांति का जनक किसे कहा गया था ब्रिटिश रूलर्स के द्वारा? जी जैसा कि सभी जानते हैं कि अगर अशांति का जनक होगा तो उग्रवादी होगा, उदारवादी दल से नहीं होगा, तो इसमें से एम के गांधी उदारवादी दल से थे, गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी दल से थे, सुभाष चंद्र बोस इनका तो किसी को नहीं था, ये बाद में आए थे, तो ये बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जो कि इनको ही कहा था बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ब्रिटिश रूलर्स ने कहा था। दोस्तों आज मैं सिर्फ 25 ही क्वेश्चन ले रहा हूं, मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगा
वो मैं उसमें मैं काफी और ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकालूंगा। मैं केवल आज मैंने केवल इंडियन नेशनल मूवमेंट उठाया है, मैं और भी टॉपिक्स उठाऊंगा जिसमें केवल इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही उठाऊंगा जिनके दोबारा आने की संभावना है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं डालूंगा जो कि एक बार आ चुका है और उसकी संभावना नहीं है, दोबारा दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। ये ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट होंगे, हर बार रिपीट होंगे, किसी न किसी पेपर में रिपीट होंगे। अगर आपने 25 क्वेश्चन किए तो हर पेपर में आपको एक दो क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट से। जी दोस्तों, तो अगर वीडियो अगर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं, शायद उनका भी कुछ फायदा हो जाए। तो आप इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अगर ये वीडियो है। साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं अब वीडियो बनाना मैंने शुरू किया है और मैं बनाता ही जाऊंगा, एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ बनाऊंगा दोस्तों। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं उठा के ला रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एग्जाम दे रहा हूँ, मुझे उस चीज का अनुभव है कौन टाइप के क्वेश्चन किस पेपर में और क्यों पूछे जाते हैं, इसके कौन से कहाँ से क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना है, तो जिसको मुझे खुद पता है। तो मैं आपको जी आपके साथ जरूर शेयर करता रहूंगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, गुड बाय। जल्दी लौटेंगे आपसे कुछ ही दिनों में एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों, स्मार्ट स्टडी के मैं आपका दोबारा से स्वागत होगा कुछ दिनों बाद। बाय दोस्तों।